इस समय वुमेन एशिया कप चल रहा है। इस साल वुमेन एशिया कप में केवल 7 टीमें थी। ऐसे में 4 टीमें पहुंची सेमीफाइनल में, इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका। 13 अक्टूबर को इंडिया और थाईलैंड का सेमीफाइनल मैच खेला गया। अब इस मैच का नतीजा बताने से पहले अगर आप एक सच्चे भारतीय हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया 148 रन बनाती है, जिसमें सबसे ज्यादा रन शेफाली वर्मा ने कुल 42 रन जोड़े। इस रन को चेस करने उतरी टीम थाईलैंड 20 ओवर में केवल 74 रन बना पाई और इस मुकाबले को 74 रन से हार बैठी। इस मैच में इंडिया की तरफ से बहुत ही धारदार गेंदबाजी हुई और दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 3 विकेट झटके, वो भी 7 रन देकर केवल। और इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा को मिला। वैसे अगर आप एक क्रिकेट फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।